गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग 11th वाले पार्ट में प्रोजेक्टाइल पे थे, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल का बेसिक फंडामेंटल मैंने बता दिया था। प्रोजेक्टाइल वाले पार्ट में था क्या, हम लोग कुल मिलाकर के ऐसे समझे कि तीन बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े थे, दैट इज टाइम ऑफ लाइट। तो टाइम ऑफ लाइट के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने क्या कहा था, वर्टिकल वेलोसिटी को जीरो करना है, क्लियर। और तीसरा पॉइंट दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। तो जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आया था उसको एक्स कंपोनेंट के डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट करके उससे आगे कुछ पॉइंट्स बनाना शुरू करें, क्लियर। नोट में पहला पॉइंट और जो बना रहे हैं तो लिखे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हाइट एंड रेंज विल बी इक्वल, यानी मैं वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाह रहा जहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ठीक। यानी मीनिंग ये कहने का कि दैट इज एच इक्वल टू आर। तो सोचो क्या ये वाला पोर्शन, एच का फॉर्मूला मैंने बताया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और इसकी वैल्यू यू स्क्वायर साइन 2θ डिवाइडेड बाई जी, जी ने जी को मार दिया, यू स्क्वायर बन गया। तो वेरीफाई कीजिए, क्या ये वाला पोर्शन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, क्या ये वाला पोर्शन 2 साइन थीटा इन टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा बन गया, कॉस थीटा को इधर लेके चले आए, यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू 4, यानी क्या ये वाला पोर्शन टेन थीटा की वैल्यू 4, ठीक। यानी थीटा की वैल्यू क्या हो जाता इस कंडीशन में, दैट इज टेन इनवर्स 4। क्या जो बोले क्लियर है कि आपका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट तब बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट आपका तब बराबर होगा जब आपका क्या कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन टेन इनवर्स 4 हो। इस थीटा की वैल्यू, यानी कहने का मतलब ये वाला पोर्शन वाई एक्सेस, ये वाला पोर्शन एक्स एक्सेस, ठीक, ये वाला पार्ट यू, ये सेक्शन थीटा। तो ऐसे अगर जो इस थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स 4 है तो जितना हाइट होगा उतना ही रेंज होगा, भले देखने में जो लगे लेकिन आर इक्वल टू एच के बराबर होगा। क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट दैट इज हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, सोचो अगर जो हम लोग ऐसा बना ले, मतलब बेसिक फंडामेंटल पर ऐसा सोचना शुरू करें कि अच्छा क्वेश्चन भी है ये, वाई और एक्स एक्सिस। मान लो आपने किसी प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से फेंका होगा और ये पर्टिकुलर एंगल थीटा, ऐसे हुआ सिस्टम, ठीक है। तो मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या गारंटी है टाइम ऑफ फ्लाइट पर होगा, सोचे ना। मान लीजिए कि ये हाइट, ये वाली हाइट स्मॉल एच है, मान लेते हैं ये हाइट स्मॉल एच है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट तो नहीं है, ये स्मॉल एच है, मैक्सिमम हाइट नहीं है। तो चेक करो, हम अपने तरफ से सोचें कि इसको यहां से यहां तक जाने में
जो टाइम लगा होगा वो टी वन लगा होगा, और इसको यहां से यहां तक गिरने में जो टाइम लगेगा वो टी टू लगेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां से यहां तक जाने में टाइम टी वन और यहां से यहां तक आने में टाइम टी टू, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो वेरीफाई करते हैं इस वाले पोर्शन में, जल्दी से लिख ले, इधर मिटाऊ, चल चेक कर इस वाले पार्ट में क्या, वेरीफाई करें ऐसा, तो यहां से यहां तक जाने में टाइम टी वन और यहां से यहां तक जाने में टाइम टी टू, तो यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लगा, टी वन प्लस टी टू, तो ये कहीं ना कहीं टी वन प्लस टी टू किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन टी वन प्लस टी टू मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट, यानी टी वन प्लस टी टू की वैल्यू क्या आप लोग बड़े आराम से टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी लिख सकते थे क्या, अब सबको इधर लेके जाओ, यानी g डिवाइडेड बाई टू की वैल्यू, सॉरी t1 प्लस टी टू क्या u साइन थीटा के बराबर होगा, क्लियर। अब खुद सोचो, मीनिंग ये कि इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा था, इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा था, t1, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बना क्या y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो चेक करो ऐसा आया, अब यार डेटा क्या है, स्मॉल एच यू वाई की वैल्यू तुम क्या लिख सकता था, यू साइन थीटा, स्मॉल एच जाने में टाइम कितना लगा, टी वन, और क्या ये वाला पोर्शन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, तो क्या ये वाला पोर्शन स्मॉल एच, ये वाला पोर्शन यू साइन थीटा, क्या यू साइन थीटा की वैल्यू जी डिवाइडेड बाई टू, और ये डेटा क्या टी वन प्लस टी टू, और क्या ये वाला पार्ट टी वन, और ये डेटा क्या माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, तो एच इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो वन डिवाइड बाई टू जी और टी वन और टी वन, तो ये वाला पोर्शन टी वन स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई टू जी और ये डेटा टी वन टी टू माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर, ऐसा और ऐसा, ठीक। तो एच की वैल्यू देखो, एक बड़ा खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन है, बड़ा खूबसूरत सा, ठीक है, क्लियर। क्या है, एच की वैल्यू हाफ जी टी वन टी टू, क्लियर। और इससे पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर, बहुत सारे क्वेश्चन, क्लियर। के मीनिंग ये कि सर यहां से यहां तक जाने में टाइम टी वन लगा, तो क्या आप यहां से यहां तक जाने का टाइम बता सकते हैं, तो भाई इसके लिए स्मॉल एच होना चाहिए, स्मॉल एच नहीं है तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए, अरे कहीं ना कहीं से तो रिलेशन आ जाएगा ना, क्लियर। लेकिन ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जिससे क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं, क्या जो बोले क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखे जल्दी से, मैं इसे बता, तीसरा पॉइंट, एक सेक्शन है, ठीक है, कि इफ टू प्रोजेक्टाइल्स हैविंग सेम वेलोसिटी, इफ इफ टू प्रोजेक्टाइल्स हैविंग सेम इनिशियल वेलोसिटी, सेम इनिशियल वेलोसिटी बट दे आर प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एट
कंप्लीमेंट्री एंगल, देन देयर रेंज आर इक्वल, देन देयर रेंज आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो चेक करो, मैंने बोला कि इफ टू प्रोजेक्टाइल्स हैविंग द हैविंग सेम इनिशियल वेलोसिटी बट दे हैव प्रोजेक्टेड एट कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, देन देयर रेंज आर इक्वल। देखो भाई कैसे होगा, हम लोग माने मानते हैं ना, ये वाला पार्ट क्या था, ये वाला पार्ट वाई एक्सिस, ये वाला पार्ट एक्स एक्सिस। हम एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी यू, ठीक, जिसका एंगल मानते हैं थीटा, और दूसरे का ही प्रोजेक्टाइल यू, क्लियर, जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या माने, ये एंगल और ये एंगल क्या था, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि उसका रेंज बराबर होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता कि इसका रेंज बराबर होगा या नहीं होगा, तो बस लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, तो चेक करो, हम मान ले कि ये वाला प्रोजेक्टाइल ऐसे गया होगा और ये मान लेते कि ये प्रोजेक्टाइल ऐसे गया होगा, हमें क्या पता, हो सकता है रेंज बराबर हो, नहीं भी हो, ठीक, लेकिन लॉजिकली चलते हैं। जब ये दूसरा सोच रहे हैं तो इसका रेंज हम अपने तरफ से आर टू मान ले, इसका कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट टी टू मान ले, और हाइट अपने तरफ से एच टू मान ले, क्या जो बोले क्लियर, ठीक है, और इसका आर वन टाइम टी वन और हाइट एच वन, क्लियर। तो सोचो इस वाले पोर्शन में जो रिलेशन आ रहा होता वो क्या बनता, इस वाले पोर्शन से चाहे तो पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक, ये वाला टॉपिक में इनडायरेक्ट में आपको रिलेशन अच्छे से निकालने आना चाहिए। ठीक है कुछ नहीं, पेपर में कम कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इस वाले पोर्शन में इनडायरेक्ट वे में आपको रिलेशन खूब अच्छे से निकालने आना चाहिए। ठीक, तो चेक करो, क्या यहां पर अगर जो हम लोग रेंज का फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो आर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, आर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक, तो वेरीफाई कीजिए, तो अगर जो आप आर वन निकाल रहे होते तो ये डेटा होता यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, रीजन इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो थीटा ही है। ठीक है, आर टू चेक करें, आर टू जब निकाल रहे होते तो क्या ये वाला पोर्शन यू स्क्वायर, और वेरीफाई करो क्या ये वाला पोर्शन साइन टू और थीटा की जगह क्या 90 डिग्री माइनस थीटा है, क्लियर, तो क्या इस सेक्शन को हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे और डिवाइड बाई जी, तो वेरीफाई करें ना भाई, क्या यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सॉरी टू थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बस साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कहीं ना कहीं साइन 180 डिग्री माइनस टू थीटा, थीटा की जगह कुछ भी हो डजंट मैटर, टू थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा होता तो ये हमें यह फील कराता है कि साइन का जो एंगल है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, बेसिक फंडामेंटल है। ठीक, या तो वो सेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर जो मान लेते हैं, मान लेते क्या सेकंड क्वाड्रेंट मानते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट माने, ठीक है 90 से छोटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते, लेकिन 180 डिग्री माइनस थीटा अगर जो बात बोले तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या यू स्क्वायर साइन टू
थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब खुद देख ले भाई, क्या आर वन और आर टू की दोनों की वैल्यू सेम आया? तो मैंने यही तो लिखा था कि अगर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, एक का एंगल जो थीटा है तो दूसरे का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो ये पोर्शन कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि मीनिंग ये कि मेरा आर वन और आर टू क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? क्लियर। चौथा पॉइंट, अब इस वाले पोर्शन में सोचो, मान लो कि मुझे टी वन निकालना होता, ठीक है, कुछ कुछ डेटा मैं निकाल दे रहा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता था? 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो टी वन की वैल्यू 2u sin थीटा, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर रख देता हूं, यहां लिख रहा, टी वन की वैल्यू क्या 2u sin थीटा बाई जी ये होता। ठीक, चलो भाई मैं इसे इक्वेशन वन बनाता हूं, इसे बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, टी टू की वैल्यू लिखता तो क्या ये हमारा पोर्शन 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी लिखता। अब sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या cos थीटा होता है? यानी टी टू की वैल्यू 2u cos थीटा बाई जी लिख सकते थे, और इसकी वैल्यू क्या जी के बराबर होगा? सॉरी, टू के इक्वेशन टू बना लेते। अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या करना होगा, मतलब बेसिक लल्लू चीजें हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या, मान लो किसी क्वेश्चन में 1/2 कर दे, और करता ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे खासकर क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, तो टी वन बाई टी टू करेगा टी वन बाई टी टू, तो सोचो तो यहां भी 2u बाई जी और यहां भी 2u बाई जी, तो ये तो मर जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डायरेक्टली टेन थीटा लिखे हैं, हा या ना? ये इक्वेशन नंबर 3 हो सकता है। तो अब ये क्या है? ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, अगर किसी न किसी जगह ऑप्शन में आपको ABCD चार ऑप्शन में बोल देगा कौन सा सही है। ठीक, क्लियर, और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बोलेगा, सेम लैंग्वेज ही बनाएगा कि टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लियर, ये हैविंग सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे मैंने लिखा हैविंग सेम इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चेक करो अब क्या होता, मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर, कुछ ऐसा भी कर सकता है क्वेश्चन कभी आगे, मान लो मैं इक्वेशन नंबर 1 into इक्वेशन नंबर 2 कर दू, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई। ठीक, तो चेक कर दो, T1 into T2 और मल्टीप्लाई करता तो 2 और 2 4 तो हो गया, U और U स्क्वायर, भाई ये तो मुझे साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। ठीक, एक बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन, बहुत बार पूछा गया, 2u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा, चेक करो, डिवाइडेड बाय जी बाहर निकाल ले और डिवाइड बाई जी बाहर निकाल लिया। ठीक, तो देखो तो इसे साइन 2 थीटा लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को क्या रेंज लिख सकता था? अरे हा ना, क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से लिखो फिर आगे बढ़ू, चलो
और सारा अभी कंप्लीमेंट्री एंगल पर ही चल रहा, ठीक, सारे के सारे रिलेशन कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट्री एंगल्स पर ही हैं। तो सोचे क्या था इस वाले पोर्शन में, हम लोग बड़े आराम से लिख सकते थे टी वन टी टू इक्वल टू, वेरीफाई कर दो, टू आर बाई जी। ये बहुत बार पूछा गया रिलेशन है, ठीक। और ये कौन सा हो गया भाई, ये फोर्थ नंबर इक्वेशंस हो गए, ठीक। तो मैं ये इक्वेशन बना रहा तो ऐसा नहीं है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लियर। इस सारे पार्ट से चारों ऑप्शन, मान लो ये दे दिया, तीन ऑप्शन आप कुछ कुछ दे दिया, देने को काम करो, थोड़े कोई रोक सकता है, ठीक है। तो मान लो ये दे दिया, ये ऑप्शन सही होगा, मान लो ये दे दिया, तो इसमें आपको चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि आपसे क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, क्लियर। मतलब चीजें टफ नहीं है, आसान है, ठीक है, इधर का उधर उधर का इधर करने है। अब जैसे सोचो, मान लो मैं इस सेक्शन में कर देता वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, मैं पहला नंबर इक्वेशन और दूसरे नंबर का स्क्वायर कर रहा हूं, तो चेक करना क्या बड़े आराम से हम लोग टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर लिख सकते थे, वेरीफाई करो, क्या ये वाला पोर्शन फोर स्क्वायर करेगा, तो फोर यू स्क्वायर जी स्क्वायर, और फोर यू स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन, यानी इसे बड़े आराम से लिख सकते थे हम लोग फोर यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर। एक ये भी रिलेशन बन सकता है बनाने वाला चाहे तो ऑप्शन में, ठीक, क्लियर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये इस टाइप का काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे होते, मान लेते हैं ठीक है कि हम लोग हाइट पर काम कर रहे होते, तो हाइट पे क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी होता है ऐसा, ठीक है। अगर जो लोग h1 निकालते तो तय है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी ही होता, ठीक। लेकिन जब h2 निकालते और मान लो इसे इक्वेशन नंबर सिक्स बना लेते, ठीक है, और जब h2 निकाल रहे होते तो क्या ये वाला पोर्शन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस, यानी ये रेटा क्या हो जाता है, एच टू की वैल्यू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, इक्वेशन नंबर सेवन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जल्दी लिखे, रिलेशन है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, तो अब चेक करो इक्वेशन नंबर सिक्स और सेवन था, सिक्स और सेवन, तो एक काम करें ना, दोनों का डिवाइड करते हैं। तो मान लो हम सिक्स डिवाइडेड बाई सेवन कर रहे होते तो चेक करें ना, क्या इस वाले पोर्शन में एच वन बाई एच टू, तो यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी और यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी बढ़ जाता, ठीक। तो सोचो क्या ये वाला पोर्शन एच वन बाई एच टू किसके बराबर होता, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता, हा या ना, ये इक्वेशन नंबर एट, ठीक। अब एक चीज गौर करना, मैंने t1 by t2 का वैल्यू tan थीटा ऑलरेडी प्रूफ कर रखा था, ऑलरेडी निकलवाया था, यानी जरूरत पड़ने पर जो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन होता एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो वो कैसा होता, h1 by h2 t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 स्क्वायर, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक। तो
तो इस टाइप के ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस बन सकते हैं, बहुत सारे, ठीक है, जिसका कोई मतलब कि ये नहीं कि कहूंगा कि लॉजिक नहीं है, है ये कि आपको रियलिटी में रिलेशन निकालने आना चाहिए। क्लियर? कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर दिया तो आपको थीटा एंगल पर क्या आना है, 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल पर क्या आना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो अगर जो ये बातें क्लियर हो गई है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और अगर जो मैं ये बात बोलूं, ठीक है, तो लॉजिक के हिसाब से सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको बहुत सारी चीजों में डायरेक्टली आपको ये सारी चीजें करने आनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा सा इस सारे क्वेश्चन में दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्लियर? जो बातें बोलूंगा उसमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही हवा हवा में बातें चले, ऐसा नहीं। मान लीजिए इस टॉपिक को या इस पॉइंट को मैं फोर्थ पॉइंट बोलूं, ठीक है, और ऐसा बोलूं कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व्ड बाई अनदर प्रोजेक्टाइल, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑब्जर्व्ड बाई अनदर प्रोजेक्टाइल। क्लियर? तो अब मान लीजिए, ठीक है, इसे कोई उस ढंग के सिचुएशंस पे क्रिएट ना करे, बस मैंने समझाने का तरीका। क्लियर? कि मान लो मैंने आपको कुछ काम दिया, ठीक, और काम आपने किया नहीं। क्लियर? अब नहीं करने का बहुत सारा कारण हो सकता है यार, है ना, कि मैंने कुछ भी होमवर्क दिया और आपने किया नहीं। क्लियर? तो एक दिक्कत ये होती कि होमवर्क नहीं होने का बहुत कारण हो सकता है। क्लियर? तो मुझे आ गया आप पर गुस्सा, ठीक, तो गुस्सा आ गया तो ठीक है भाई, गुस्सा आएगा तो मास्टर तो सजा देगा, कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट देगा, ठीक है। तो मान ले मैंने जिन लोगों को काम दिया उसमें दो लोग ऐसे हैं, ठीक, जो अपने आप में खूब एक दूसरे से बात करते हैं, और मुझे ये बात पता चल गई, ठीक, और मुझे आ गया गुस्सा। गुस्सा इस बात से नहीं कि वो दोनों बात करते हैं, गुस्सा इस बात से कि आपने होमवर्क नहीं बनाया, ठीक। तो मैंने क्या किया, सोचते हैं मैंने क्या किया कि दोनों बंदे को मैंने क्या किया कि एक तोप में उन दोनों बंदों को थीटा एंगल पर, एक तोप में U1 वेलोसिटी से फेंका, ठीक, तोप पे बिठा दिया, फायर कर दिया धड़ से। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक, मजा आ जाएगा कि इस वाले पोर्शन में थोड़ा फिगर अच्छे से बना लू, थोड़ा अच्छा अच्छा फील आएगा। चेक करो, मैंने कहा कि जो दोनों लोग बात कर रहे थे उन्होंने होमवर्क नहीं की, क्लियर, तो मैंने उन्हें किसी तोप में से U1 वेलोसिटी से और ये ग्राउंड से थीटा वन एंगल से फेंका होगा, तो भाई ये कैसे जाता, ऐसे जाता, ये ऐसे जाता, ठीक। दूसरा कोई बंदा, अब दो आदमी को फेंका हो ना भाई, ठीक, तो दो बंदे को फेंका हो तो इसका वेलोसिटी U2 और ये एंगल थीटा 2। क्लियर? तो सोचो ये भी ऐसे जा सकता था, ठीक है। तो एक चीज गौर करना जो अभी लिख रहा हूं, क्लियर, क्या ये वाला पार्ट इसके लिए एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करता तो यू एक्स
पहले वाले का क्या होगा, u1 cos थीटा 1, ठीक, और इसका इधर क्या होता u2, सॉरी u1 sin थीटा 1, क्लियर। वैसे ही इसका इस तरफ क्या होता u2 cos थीटा और इसका क्या होता u2 sin थीटा 2। तो ये इसका ux था और ये इसका uy था, ये इसका uy था, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है। तो भाई सामने वाले को आया गुस्सा, आपको तोप में बांध करके वो उड़ा दे रहा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तुम लोग में भी इतना प्यार मोहब्बत है, इतनी परेशानियां है, ठीक, कि सामने वाले ने तुमको तोप से उड़ा दिया, ठीक, लेकिन तू इतना बेशरम कि फिर भी सामने वाले को देख रहा है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑब्जर्व्ड बाय अनदर प्रोजेक्टाइल, ठीक, तो ये पहला प्रोजेक्टाइल, ये दूसरा प्रोजेक्टाइल, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि तुमने होमवर्क नहीं किया, मास्टर को आ गया गुस्सा, दोनों को मैंने कर दिया क्या तो पे वादा और फाइन कर दिया, ठीक, लेकिन तू भी हम लोगों से ज्यादा खतरनाक है यार, ठीक, वह बेशरम, क्लियर। तो तू कंटिन्यूअस लगातार सामने वाले को देखा जा, देखते जा रहे, तो अगर जो तू देखते जा रहा है, क्लियर, तो सामने वाला किस पाथ पे जा रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर आपने तो तोप से उड़ा दिया सामने वाले को, ना पार्टिकल देखो, ठीक, जिंदा रहेगा तब ना फील करेगा यार, फिजिक्स फील का पेपर है, क्लियर, भरना नहीं है, क्लियर। तो चेक करो, अगर जो मैं बात बोलता लैंग्वेज के तौर पर, फील करो जो लिख रहा हूं, इसको समझाने का तरीका और भी बहुत सारे हैं, लाइक मैथ्स का है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं मैथ्स वाले पोर्शन में नहीं जा रहा, लॉजिक से जा रहा हूं। सोचो, फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, क्लियर, तो जब मैं पहले प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा होता तो सोचे तो उसका यूएक्स क्या है, उसका ux u1 cos थीटा 1, क्लियर, और ax क्या है, जीरो, ठीक है, और उसी ढंग से उसका uy क्या है, u1 sin थीटा 1, और ay मैंने क्या सिखाया था, वो तो कसम खा के बैठे माइनस g, क्लियर, तो कोई चेंज ही नहीं कर सकते भाई, क्लियर। और फॉर सेकेंड प्रोजेक्टाइल सोचें क्या ux की वैल्यू, u2 cos थीटा 2 और ax की वैल्यू जीरो, ठीक, पहले भी सिखाए हैं कल पिछले क्लास में कि ux की वैल्यू जीरो क्यों लेते हैं, ux की वैल्यू सॉरी ax की वैल्यू जीरो क्यों लेते हैं, रीजन, हमको अपने तरफ से अगर जो कोई एक्सेलरेशन देना है तो उस बॉडी के साथ ऑब्जर्वर का रियल कांटेक्ट होना जरूरी है, और आपने तो बॉल को दिया है छोड़, ठीक, मैंने तुझे तुप पे बांधा और दिया छोड़, तो जब छोड़िए दिए तो काहे का एक्सेलरेशन, हम कैसे एक्सेलरेशन दे सकते हैं, क्लियर। अब इसका यू वाई क्या था, यू टू साइन थीटा 2, और इसका ए वाई क्या था, माइनस जी, को देखकर, और वैसा है तो यहां वन 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 टू 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 लिख देते हैं, क्लियर, कोई तकलीफ, तो सोचो
क्या यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है? सोचना, क्या यहां पर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है? यहां जीरो और यहां जीरो, जो बोल रहा हूं आराम से सुनना, यहां और यहां कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन है? जीरो। रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन क्या वो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है? यू वन कॉस थीटा वन और यू टू कॉस थीटा टू, कुछ भी करेगा तो ये तो डेटा ही आएगा ना, आएगा तो डेटा ही। ठीक, तो सोचो क्या इसका एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्या यहां एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन? जीरो। ठीक, सिमिलरली क्या यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी है कांस्टेंट है? वाई एक्सिस के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी है कांस्टेंट है, लेकिन क्या वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है? रिलेटिव। फिर पूछ रहा हूं वाई एक्सिस के अलोंग क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन है? नहीं, जीरो। इसका भी माइनस जी और इसका भी माइनस जी, क्लियर? तो दोनों को घटाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। कोई दिक्कत? तो सोचो, फील करो, इधर का रिलेटिव वेलोसिटी है, इधर का रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब वाई एक्सिस का, इधर का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो, इधर का रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। अरे वाह, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन। क्या अगर जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है तब ना वेलोसिटी घटता और बढ़ता? क्लियर? एक्सेलरेशन आई है नहीं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, वाई एक्सिस के अलोंग भी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों में नहीं है, ना एक्स में ना वाई में। ठीक, तो ना एक्स और ना वाई में, तो क्या होता? पाथ ऑब्जर्व्ड बाय अनदर प्रोजेक्टाइल मस्ट बी इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। रीजन, जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो पाथ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा यार। क्या जब बोले क्लियर है? यानी तू इतना कुरा फाती कि सोचो, तू अगर जो तुमको हम तोप से बांध के उड़ा दिए, दोनों दोस्त, दोनों कुरा फाती, दोनों जब एक दूसरे को देखेगा तो दोनों का पाथ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, ये बात थियोरेटिकली दिमाग में रखें और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहे यहां पर। क्लियर है? ठीक है, अब यहां से हम लोग अगले वाले क्लास से हम लोग प्रयास रखेंगे कि दैट इज हम लोग का प्रयास ही रहे कि न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे काम करना शुरू करें। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पर पहले काम करेंगे, फिर बाद। क्लियर? चलिए।